हेलो, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय ऑनलाइन क्लासेस इन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज फॉर क्लास 7। तो आज हम इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, कि हम इसके अंदर किस तरीके की क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने का क्या एक सिंपल मेथड आप लोगों के लिए हो सकता है। साथ ही साथ इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल देखेंगे जो आप इस चैप्टर में कर सकते हो या देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से एंड देन बात करेंगे इसके अंदर एक्सरसाइज ए के कुछ लैंग्वेज सम्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर कोई नंबर दिया गया है आपको और उस नंबर को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए क्या मेथड होता है, और सेकेंडली इसका जस्ट उल्टा कि अगर कोई नंबर दिया गया है और अगर उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, और अगर परसेंटेज में कोई नंबर दिया गया है और अगर उसे फ्रैक्शंस, डेसिमल्स या रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन मेथड्स को और इसको आप समझेंगे ध्यान से। तो पहला हेडिंग आपकी बनती है टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू परसेंटेज। सबसे पहले एक नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना जरूरी है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उसको करना है आपको मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस नंबर को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कराना है और आपको अपना आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा, भले ही वो एक रेशियो हो, फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और बहुत ही इजीली आप अपना आंसर ऑब्टेन कर लेंगे कि उसका क्या आंसर आएगा परसेंटेज में। और इसका सेकंड मेथड, सेकंड जो पॉइंट है वो है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ नंबर। एक परसेंटेज को अगर एक नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा कांसेप्ट था, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसी नंबर में तो 100 से करेंगे आप इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से जब परसेंटेज में करना है, और परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद अगर आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन कर लीजिए, डेसिमल चाहिए तो डेसिमल कर दीजिए, और अगर आपको रेशियो चाहिए तो फ्रैक्शन में करने के बाद उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इनके लैंग्वेज सर्च के साथ, और इनके कुछ लैंग्वेज सर्च समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, जिसमें से एक क्या है एब्सेंट है, तो आपको एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, पहले तो जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में आप उसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। शुरुआत करते हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं 8। तो अब आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स नीचे आ जाएंगे, और किसमें निकालना है परसेंटेज में निकालना है, तो इसके लिए आप करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले 0 जिसे 0 कट गया, और 4 की टेबल से 2 टाइम्स, 2 इंटू 10 करने पर रिजल्ट मिल गया आपको 20%, दैट मीन
टोटल 20% स्टूडेंट्स जो थे क्लास में से वो एब्सेंट थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो आपको जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से और सभी इसी तरीके से क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपको इसी तरीके की वैल्यू दी गई है। 120 वोटर्स थे जिसमें से 90 ने यस कहा है, तो यस वोटेड के लिए आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखेंगे टोटल वोट्स कितने थे, 120 वोटेड यस, यस कितनों ने कहा है, 90 लोगों ने कहा है। तो परसेंटेज ऑफ वोटेड यस, तो कितने लोगों ने यस वोट किया, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो वो आ जाएगा ऊपर, टोटल वोट्स आ जाएंगे नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। कर दीजिए सिंपलीफाई, 0 की टेबल से 0, 3 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 4 टाइम्स, 4 की टेबल से 25 टाइम्स, और 25 3 का करने पर कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 75, और बाहर आ जाएगा एक परसेंटेज का साइन। तो इस तरीके से टोटल 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे, 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वोट किया है यस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि मीनू है जिसके पास 50 पेन है, 50, जिसमें से 20 ब्लू है और 30 ब्लैक है, दोनों के लिए परसेंटेज निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल पेन कितने रखे हैं, 50, ब्लू पेन कितने हैं और ब्लैक पेन कितने हैं, दे रखा है दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में। ब्लू पेन आपको दे रखे हैं 20 और ब्लैक पेन दे रखे हैं 30। अब आपको ब्लू पेन के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो 20 को डिवाइड कर दीजिए 50 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 से, ये करके 2 टाइम्स, और 2 × 20 करने पर कितना आता है, 40%, कितना आता है 40%। और अगर इसी तरीके से आपको अगर ब्लैक पेन के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो बस ब्लैक पेन कितने थे 30, डिवाइड करेंगे 50 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। 50 के लेवल से 3 टाइम और 50 के लेवल से 2 टाइम और 32 इज 60%। तो बस इस तरीके से आपने जो वैल्यू पूछी जा रही है, जिसकी परसेंटेज बोली गई है वो ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि क्लास के बच्चे टिकट सेल कर रहे हैं, सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स हैं। ठीक है, अभिनव ने 250 सेल किया, स्मृति ने 48% सेल किए, और अब अरविंद ने 0.55 सेल करे टोटल टिकट्स का। आपको ये बताना है कि सबसे कम टिकट्स किसने सेल करी। अब आप देख सकते हैं वैल्यूज तीनों डिफरेंट फॉर्म में है। डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट है इस तरीके से कि एक पहली वैल्यू फ्रैक्शन में है, दूसरी वैल्यू परसेंटेज में है, और तीसरी वैल्यू डेसिमल में है। काम आसान कर सकते हैं आप अगर इन तीनों वैल्यूज़ को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें, और हम कोशिश करते हैं कि पहली और दूसरी क्वांटिटीज़ को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, उसको करने से पहले सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द नंबर ऑफ टिकेट्स ईच स्टूडेंट हैज बी एक्स, हर एक बच्चे के पास जितनी टिकट्स हैं अगर आप उसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो फिर अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना और बाद में फिर कंपेयर करना आसान हो जाएगा। पहले आता है अभिनव,
अभिनव के पास 2/5 थी किसकी, टिकट्स के, उसने टोटल टिकट्स का जो उसके पास थी उसका 2/5 बेच दिया। अब 2 को 5 से डिवाइड करने पर डेसिमल का आंसर निकालिए, 2 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4x। अब आ जाइए दूसरे बच्चे की तरफ, दूसरा बच्चा जो है उसका नाम है स्मृति। स्मृति के पास जो टिकट्स उसने बेची वो थी 48%, और परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, बताया था डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड कर दिया और आगे आ जाएगा ऑफ एक्स, और जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.48x। आप देखें दोनों एक ऐसी क्वांटिटीज हैं, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। और तीसरे बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा बच्चा है अरविंद, क्या नाम है उसका, अरविंद। अरविंद ने जो टिकट्स बेची है वो 0.55 है किसकी, एक्स की। अब आप कंपेयर कर लीजिए, अभिनव ने बेची 0.4, स्मृति ने बेची 0.48 और अरविंद ने बेची है 0.55। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, बिल्कुल सही, सबसे छोटी वैल्यू है 0.4x। तो किसने सबसे कम टिकट बेची, अभिनव ने, यही पूछा गया था। हु सोल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, आप लिखेंगे अभिनव सोल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं कि अभिनव ने सबसे कम टिकट्स बेची हैं और वो कितनी हैं, सिर्फ टोटल का 0.4। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे किस तरीके से करने थे। आपकी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है, तो इसको आप अपने होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और ये जो पार्ट आपको हमने समझाया है ये आप इंट्रोडक्शन में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पेज में रिमेनिंग पार्ट होगा वहाँ आपको फॉर्मूलेज नोट करवाएंगे, अपनी आने वाली वीडियोज में जो फॉर्मूलेज हम बताएंगे उनको आप इस स्पेस में लिख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए आपने एक पेज ब्लैंक किया था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करने करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल नितिन गुप्ता क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेस। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट nitingupta_classes17@gmail.com। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।